लद्दाख सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल को लद्दाख बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन क्या आपको इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण किस्सा पता है? दरअसल नामग्याल पहली बार चुनकर संसद पहुंचे ही साल 2019 में हैं, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो उसके बाद आर्टिकल 370 खत्म होने पर देश ने कश्मीर पर लिए गए मोदी सरकार के बड़े फैसले के पक्ष में नामग्याल का तीखा भाषण भी सुना था। नामग्याल ने संसद में खड़े होकर ऐसा भाषण दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी भी उनके व्यक्तित्व के मुरीद हो गए थे। संसद में जामयांग सेरिंग का भाषण खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, लिखा था, मेरे युवा दोस्त जामयांग सेरिंग नामग्याल, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बेहतरीन भाषण दिया, उन्होंने लद्दाख के हमारे भाइयों और बहनों की महत्वाकांक्षा को सुसंगत तरीके से पेश किया, उनके भाषण को सुना जाना चाहिए और उसके बाद उन्हें लद्दाख का बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाना, वो भी ऐसे वक्त में जब वो एक बैठक में व्यस्त थे और उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें लद्दाख बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है। बीजेपी सांसद ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। आपको बता दें, जामयांग सेरिंग मात्र 34 साल के युवा सांसद हैं और भौगोलिक आधार पर भारत के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लद्दाख के उन नेताओं में से हैं जो लंबे वक्त से लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाए जाने की लड़ाई लड़ रहे थे। साल 2015 में भी नामग्याल ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए थे। फिर साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जामयांग सेरिंग पर भरोसा जताते हुए लद्दाख सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया और तब से लेकर आज तक नामग्याल मोदी सरकार की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। तभी तो अब उन्हें मोदी सरकार ने लद्दाख के अध्यक्ष के पद की भी जिम्मेदारी सौंप दी है।